ये सीखने की जरूरत है। 70% लोग मुल्क में अमन, मुल्क की एकता, संविधान की रक्षा, मानवता और इंसानियत, वसुधैव कुटुंबकम का सम्मान, भारत एक है, दूसरा जिन्ना पैदा मत हो। स्टालिन और हिटलर के शासन की तरह भारत के मुल्क को मत देखो। बहुत कम लोग हैं नफरत पैदा करने वाले। यह जीत देश की सलामती के लिए, एकता के लिए। झारखंड की जनता को बधाई, सभी जाति धर्म मजहब को बधाई। यह जीत नफरत पर प्रेम की जीत है। यह जीत संविधान जलाने वालों के खिलाफ है। यह जीत गांधी, अंबेडकर, सुभाष, सरदार पटेल, राष्ट्रकवि दिनकर, विद्यापति कवि के विचारधारों की जीत है। कर्पूरी ठाकुर, जुब्बा सहनी की जीत है, बिरसा मुंडा की जीत है। यह जीत ने हिटलर और स्टालिन के शासन को, किंगजोम के शासन को, हिंदू मुसलमान करने वाले के शासन को नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी, झूठ बोलना कम कर दीजिए। आपके मंत्री ने जवाब दिया है कि 20 कैंप बने हुए हैं, 300 पर काम चल रहा है। राज्यसभा लोकसभा से एनआरसी को आपने पास कर दिया। अब आप कह रहे हो कि मैं एनआरसी का कोई मतलब नहीं। अमित शाह कह रहा है कि एनआरसी में मुसलमान सिर्फ आएंगे, नेपाल में मधेशियों को सबसे ज्यादा तंग किया गया, तुम उसे नहीं लाए। श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारत मुल्क के तमिल को मारा गया, तुम उसको नहीं लाए। बर्मा और भूटान में बौद्धिज्म लामा, दलाई लामा और बौद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ, तुम उसको नहीं लाए। तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश को लाते तो हम सोचते, और अफगानिस्तान को ले आए जो मेरे मुल्क से मतलब नहीं रखता। तो तुमने तो पहले ही कह दिया कि मुझे हिंदू मुसलमान करना है, मुझे एनआरसी से मतलब नहीं है, मुझे सीएए से मतलब नहीं है, मुझे हिंदू मुसलमान करना है। क्योंकि तुम हार चुके मंदिर मस्जिद पर, तलाक पर, 370 पर, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड जीतने के लिए क्या नहीं कहा। इसीलिए अब तो समझो, भारत के नागरिक को, महान जनता को, बेमिसाल जनता को, कि मेरा भारत महान है, था, रहेगा। मेरा भारत एक है, था, रहेगा। लाखों जिन्ना पैदा हो जाए, स्टालिन हिटलर पैदा हो जाए, भारत का टुकड़ा नहीं कर सकता। यह जीत बताता है, दिल्ली बाकी है, बिहार से आजादी की लड़ाई शुरू होगी। मैं सीधा आज आपसे कहना चाहूंगा कि अब झूठ मत बोलिए, बहुत थक गया। एनआरसी जो 70% दलित, अनुसूचित जाति, बंजारा, अत्यंत पिछड़ा, उन लोगों के खिलाफ जिनके पास जमीन नहीं है, चाहे उसमें आगरा का गरीब हो, जिसके पास कोई कागजात नहीं है, तो उसके लिए लाए और बाद में इसको हिंदू मुसलमान पर खड़ा कर दिए। अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान का नागरिकता है, 30 लाख हर साल यहाँ लोग आते हैं, और 50 लाख हर साल यहाँ के पूंजीपति ब्रिटेन, कनाडा, लंदन, पाकिस्तान, दुबई जाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम उसको क्यों नहीं कहते हो कि तुम काफिर हो, और 30 लाख तो हर दिन आते हैं, तुम क्या कहोगे? मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के लगभग नेताओं की शादी घर में, मुसलमानों के घर में, मैं जानना चाहता हूं, तब नफरत नहीं करते हो? डोभाल पैसा कमाता है पाकिस्तान की नागरिकता में, तब नफरत नहीं होती है? 50 लाख पूंजीपति बाहर जाकर के नागरिकता लेते हैं, तब ठीक है? जो मेरे मुल्क में, मेरी धरती पर कुर्बानी दी है, मेरी धरती को बनाया, उस वक्त जिंदा के वक्त पाकिस्तान को नकार दिया और हिंदुस्तान को पसंद किया, उसको कह रहे हो भारत छोड़ दो? और जो पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तानी बन गया, उसको कह रहे हो भारत आ जाओ? अब बांग्लादेश का हिंदू कहता है कौन जाएगा
इस डर और नफरत के बीच ये पप्पू यादव की लड़ाई है, नफरत मत करो, ये लड़ाई।